सिसई प्रखंड सिसई के नौरत्नगढ़ का दौरा किया गया। कैप्टन प्राण रंजन प्रसाद, भूतपूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सह सलाहकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, प्रखंड सिसई के ग्राम नगर के नौरत्नगढ़ में हो रहे खुदाई का निरीक्षण किया। वरिष्ठ सलाहकार प्राण रंजन के प्रखंड सिसई के नौरत्नगढ़ में वर्ष 2017 में पहली बार आए तो नागवंशियों के इस अनूठे कलाकृतियों को देखकर काफी प्रभावित हुए और इसके विकास के लिए काफी प्रयास किए। उसके बाद केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2019 को नौरत्नगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया। कैप्टन प्राण रंजन के द्वारा खुदाई कार्य में लगे हुए पदाधिकारी से जानकारी मांगी और मजदूरों से हालचाल जाना एवं मजदूरी से संबंधित मजदूरी के भुगतान के विषय में पूछा। साथ ही वर्तमान में चल रहे खुदाई कार्यस्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। प्राण रंजन सपरिवार नौरत्नगढ़ के सामने ऐतिहासिक मंदिर बाबा कपिलनाथ शिव मंदिर का दर्शन किया। मंदिर की विशालता और इतिहास जानकर प्रभावित हुए। इस मौके पर कैप्टन प्राण रंजन, वरिष्ठ सलाहकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने बताया कि खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग रांची अंचल द्वारा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर सिसई प्रखंड अंतर्गत 10 किलोमीटर दूर सिसई बसिया पथ पर अवस्थित डोयसा नगर है। वर्तमान में इसे नगर गांव के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कभी नागवंशियों का प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा था। करीब 100 एकड़ में नौरत्नगढ़ और 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला डोयसागढ़ अपने मौलिक सौंदर्य और अनूठे स्थापत्य और अभेद दुर्ग के कारण इसकी प्रसिद्धि दूर दूर देशों में भी है। नागवंश के 45वें राजा दुर्जनशाल ने इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया था। वे हीरो के बड़े पारखी थे। नागवंशियों के इतिहास में महलों की कल्पना नहीं थी, लेकिन ग्वालियर के तत्कालीन शासक जहांगीर के सिपह सालार इब्राहिम खान ने लगान नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में दुर्जनशाल को बंदी बना लिया था। लेकिन हीरे का पारखी होने के कारण 12 साल के बाद जहांगीर ने इसे रिहा कर दिया। जहांगीर ने दुर्जनशाल के साथ एक वस्तुकार को भेज दिया। इसी वस्तुकार ने दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले की तर्ज पर एक महल बनाने का सुझाव दिया। इससे पूर्व नागवंशी राजा आम जनता से थोड़े से ही बड़े घरों में रहते थे। डोयसागढ़ नागवंशियों की चौथी राजधानी रही है। इसी परिसर में हर मंजिल में 9-9 कमरे थे और चारों ओर 9-9 खिड़कियों का निर्माण कराया गया। डोयसागढ़ देखने लायक है। रानी महल, कमल सरोवर, रानी लुकैर, मठ जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र मंदिर, राजदरबार, गणेश मूर्ति, बूढ़ा महादेव, शिवलिंग, तहखाना, संतरी पोस्ट, नौरत्नगढ़ के पीछे पहाड़ में जलेश्वरनाथ शिवलिंग, नौरत्नगढ़ से बाहर सिंहद्वार, कपिलनाथ मंदिर, भैरवनाथ राधा कृष्ण मंदिर, धोबी मठ, राजगुरु समाधि स्थल, बावली मठ, वकील मठ, मौसी बाड़ी जोड़ा, नाग मंदिर, पंच मठ, संतरी पोस्ट, इसके अलावा भी कई छोटे बड़े मठ देखने को यहाँ मिलते हैं। ये एक बहुत ही नायाब और इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट है जो झारखंड में है और मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन इसका विकास जो हो रहा है वो भी अभूतपूर्व है। और मैं पहली बार यहाँ 2017 के दिसंबर में आया था जब ये किसी भी राज्य के द्वारा स्मारक घोषित नहीं था, अधिक नोटिफाइड नहीं था। लेकिन 2019 के सितंबर में ये राष्ट्रीय स्मारक अधिग्रहित हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत। और उसके बाद यहाँ का विकास शुरू किया गया, जिसको बोलते हैं यहाँ की परिकल्पना के अनुसार एस्टिमेट बना अधिग्रहण के बाद और काम चल रहा है। और अभी हमारे दो एक्सपर्ट यहाँ पर हैं जो रांची सर्कल के अधीन काम कर रहे हैं, रांची सर्कल के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के देख रेख में बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक तो कंजर्वेशन का और दूसरा साइंटिफिक क्लियरेंस का। तो साइंटिफिक क्लियरेंस तो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जा रहा है और कंजर्वेशन का काम इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग वर्क सेक्शन बोलते हैं, उसके
ऑफिसर के अधीन हो रहा है और बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके पूरा कार्य पूरा होने में समय लगेगा, क्योंकि 2 साल का समय समझिए वो तो में कोई काम हो नहीं सका, लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है वो देखने के लिए मुझे आना पड़ा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।